तो उसके बाद हम बात करेंगे जेपी पावर के स्टॉक के बारे में। जेपी पावर के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अपट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 10.10% की यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और आज की तेज़ी से हमको यहाँ पर स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो ये स्टॉक है ये पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार 10.80 का जो लेवल है इसी के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर अभी स्टॉक में 11.70 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा दैन यहाँ से हमको स्टॉक में 13, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 15.15, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया दैन यहाँ से हमको स्टॉक में 18.30, और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 20.70, और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 23-24 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से भी गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 10.80 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 9.40 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 8.50 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।